हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 जबरदस्त स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर 20,000। दोस्तों, अगर आपको 15 से लेकर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वैसे भी इस टाइम पर साल की सबसे बड़ी सेल स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आपको सबसे तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो आप काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन बाय कर पाओगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आज मैं आपको अंडर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन्स बताने वाला हूं, जहां से आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअली किस फोन की तरफ आपको जाना चाहिए, जो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस यार, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं, जो कि आता है मेरी लिस्ट में मोटोरोला की तरफ से, मोटो G80 2 5G। इसमें फ्लैक्सिप डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा और क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। ये दोस्तों 6GB + 128GB से आता है। इस फोन में दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD+ POLED डिस्प्ले, जो कि सेंटर पंचोल के साथ आता है। 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और ये 10 बिट का डिस्प्ले पैनल है। डिस्प्ले क्वालिटी प्रेस के अकॉर्डिंग बेस्ट मिलती है। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिल जाएगा ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट है। 6nm पर आता है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, बट गेमिंग आप यहाँ से डिसेंट कर पाओगे। बजट सेगमेंट के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, बेस्ट गेमिंग कराता है, बट इस प्राइस पर ठीक ठाक गेमिंग आपको ये कराने वाला है। इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि MyUX यानी कि क्लीन UI पर बेस्ड है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और IP52 की रेटिंग भी मिल जाएगी। ये दोस्तों 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 18,499 आफ्टर डिस्काउंट, 18,500 रुपये में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G। इसमें भी आपको बेस्ट कैमरा और क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ OnePlus की ब्रांड वैल्यू भी मिल जाती है। ये दोस्तों 6GB + 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.59 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले विद इनसाइड पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 64MP का दिया गया है, बाकी 22MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस मिल जाएंगे। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। फ्रंट साइड में 16MP की पंचोल सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695। इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, जो कि ऑक्सीजन OS पर बेस्ड है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 18,999 19,000 रुपये में डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है रेडमी की तरफ से, Redmi Note 11 Pro Plus 5G। ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, 6GB + 128GB से आता है। इसमें ऑफर किया गया है 6.67 इंच का फुल HD+ Super AMOLED डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच मिलती है। यहाँ पर आपका डिस्प्ले
एक्सपीरियंस का मालका होगा। दोस्तों रियर साइड में ग्लास मिलता है विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5, ये बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। बाकी ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का दिया गया है सैमसंग के HM2 लेंस के साथ। इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 जो कि अगेन 6nm पर आता है। काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग आपको ये कराएगा। इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। इस फोन में 7 5G बैंड्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और लिक्विड कूलिंग भी दी गई है। ये दोस्तों 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 21499, बट इस पर आपको अच्छा खासा बैंक ऑफर मिल जाएगा। इजीली आप इस फोन को 20,000 के नीचे डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G, और ये इस प्राइस पॉइंट पर सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। ये 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच की मिलती है। आपका डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होगा। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। बाकी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है। दोस्तों इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो नो डाउट कैमरे की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिलती है। वीडियो क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलेगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G जो कि 5G चिपसेट है, ओनली 6nm पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, अंडर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग आपको ये कराता है। तो नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बेस्ट होगा। इसमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि One UI 3.1 पर बेस्ड है। जल्दी आपको Android 12 विद One UI 4.1 का वर्जन भी मिल जाएगा। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट चार्जर आपको बॉक्स में ओनली 15W का प्रोवाइड किया गया है। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, 3.5mm का जैक नहीं मिलता है। ये दोस्तों 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस है 24,999, बट इस पर आपको अक्सर डिस्काउंट मिलता रहता है। इस फोन को आप इजीली 20,000 के नीचे डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9 प्रो प्लस 5G। ये सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, बट ये जिस प्राइस पॉइंट पर आता है ना उस पर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इसको बोल सकते हो। जहाँ पर आपको पावरफुल प्रोसेसर, फ्लैक्सिप कैमरा, फास्ट चार्जिंग, बेस्ट डिस्प्ले और अच्छा खासा डिजाइन मिल जाता है। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद इनसाइड पंचोल, 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, बट इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। साथ में डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छा खासा दिया गया है। दोस्तों रियर साइड में ग्लास मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश और ये लाइट शिफ्टिंग डिजाइन के साथ आता है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कलर को चेंज करता है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है सोनी IMX766 लेंस के साथ जो कि बेसिकली फ्लैक्सिप ग्रेड का लेंस है। साथ में OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट कैमरा क्वालिटी फ्लेक्सिबल लेवल की मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 920 जो कि 12 5G चिपसेट है, ओनली 6nm पर बेस्ड है। इस प्राइस पर आपको काफी तगड़ी गेमिंग कराने वाला है। इसमें Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। इस फोन में 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 60W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
हालांकि इसमें 3.5 mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग दी गई है। ये दोस्तों 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 24999, जो कि फिलहाल आपको सिर्फ 17999 18,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस पर यह सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, काफ़ी कमाल का है। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।